हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। पबजी का हो गया है गेम ओवर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस पर्सनल वेबसाइट वाज हैक्ड। पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया। पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला Let's go! Enemies ahead! सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर के बैन के बारे में। तो गाइस, ऐसे आपको पता होगा कि पबजी के बैन होने के बाद काफ़ी सारे पबजी प्लेयर्स दुखी हो गए और फ्री फायर के प्लेयर बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन अब बात आ रही है कि सूत्रों से पता चल रहा है कि फ्री फायर भी बैन हो सकता है। कैसे गाइस, आपको स्क्रीन पर भी स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको पता है कि टेंसेंट 25% ओन करती है, 25.6% ओन करती है फ्री फायर का, ठीक है, शेयर्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जैसे कि गाइस आपको पता ही होगा कि पबजी के बैन होने के कारण भी यही था, टेंसेंट का 10% शेयर्स। तो सोच सकते हैं गाइस, फ्री फायर का तो 25.6% शेयर्स हैं फ्री फायर उसमें टेंसेंट के साथ। सो गाइस, इसके बैन होने के चांसेस भी है, क्या पता आगे जाके बैन हो जाए। सो गाइस देखते हैं। ये गाइस कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है गाइस, ये बस एक प्रेडिक्शन है कि जैसे हम लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे पबजी बैन हुआ था क्योंकि उसका 10% शेयर था उसके साथ, टेंसेंट के साथ, ठीक है, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, तो उसके रिलेटेड ही उसको बैन करा था। लेकिन गाइस फ्री फायर भी 25% शेयर्स ले रही है उसके टेंसेंट से। तो गाइस उसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि फ्री फायर बैन हो जाए जल्द ही। गाइस देखते हैं अब क्या होता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।